चलता है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, लोकतंत्र को पक्ष भी चाहिए प्रधानमंत्री जी, विपक्ष भी चाहिए। आपसे चिंता ये होती है ना कि आपके लोग इस पर बड़ी बुरी नजर रखे हुए हैं। ये भारत का संविधान है, इससे आरक्षण निर्धारित होता है, अधिकार निर्धारित होते हैं। और बिहार के अंदर जब तेजस्वी जी कहते हैं नौकरी मतलब तेजस्वी जो बिहार में हो गया, तो ये वचन इनका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता सर। चुनाव के नतीजे अपनी जगह, आप उस जुबान में बात करिए कि तेजस्वी इतनी नौकरी कह रहे हैं, हम इससे ज्यादा देंगे। आर्थिक सबलीकरण के लिए वो 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा देंगे। ये आपकी जुबान से सुनने को जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, आप बोल ही नहीं रहे। लालू यादव ने कल आरक्षण को लेकर जो कहा कि मुसलमानों को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री तक को इस पर बोलना पड़ गया कि ये देखिए इंडिया अलायंस के लोग। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 3743 जातियां, प्रधानमंत्री जी को पढ़ना चाहिए। देश की राजनीति और देश का सामाजिक ढांचा बदला मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद। उसमें अन्य धर्मों की सैकड़ों जातियां, किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। जैसे बढ़ई हिंदू हो, बढ़ई मुसलमान हो, बढ़ई किसी और धर्म का, वो हज्जाम। तो प्रधानमंत्री जी के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करवा रहे हैं। और यहां तो कर्पूरी जी वे बैक यहां सामाजिक पिछड़ेपन पर आरक्षण हुआ। आप तो उस पूरे मॉडल को ध्वस्त करके बंच ऑफ थॉट वाली नीति पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्या हो जाता है आपको? हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ना, आप पार्षद और पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, आपके अंदर क्षमता नहीं है। देश के नेता हैं साहब, आपकी ये जुबान होनी चाहिए। लेकिन लालू परिवार पर सीधा बोल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं पीएम, क्या लग रहा है आप लोग? डर वहीं से है ना, डर किससे है बिहार में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी से। अरे अटैक करना हो तो तेजस्वी जी के नौकरी मॉडल पे अटैक करो, को हम इससे बेहतर करेंगे। आप कहो कि अग्निवीर की वो बात कर रहे हैं, हम भी कर देंगे रेगुलर भर्ती, रेलवे की भर्तियां बहाल करेंगे। महिलाओं को जब वो कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगा, तो अटैक इन मुद्दों पे करो ना। आप उन मुद्दों पे कर रहे हो जो बेमानी है, जनता को टच भी नहीं कर रही है, छू नहीं रही है। थर्ड फेज कंप्लीट हो गया सर, क्या फीडबैक आप लोग को बिहार से? देखिए हम तो अहंकार की। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।